हवा की मैया पे मुस्कुराता बदल गया फिक्र नस्ल आदा। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का गम, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों से अकीदत का इजहार। यह है कनाडा की स्टेट मैनिटोबा, जहां न सिर्फ मुस्लिम्स बल्कि दीगर रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले भी इमाम अली मकाम और उनके साथियों पर ढाए गए मुजालिम के खिलाफ जुलूस की सूरत में निकले हैं। मैनिटोबा में पाकिस्तानियों की तादाद निस्बतन कम होने और कोरोना वबा के बावजूद आशूरा का जुलूस बरामद किया गया। यहां आज़ादारों को किसी नाखुशगवार वाकये का सामना नहीं करना पड़ता। पूरे शहर से आज़ादार मरकजी हिस्से में जमा होकर जुलूस बरामद करते हैं। कानून की ऐसी हुक्मरानी है कि आज़ादारों को किसी सिक्योरिटी की जरूरत पेश नहीं आती। हर मजहब से ताल्लुक रखने वालों का एहतराम करने वाली कैनेडियन हुकूमत आशूरा के इस जुलूस के लिए खास तौर पर लाइसेंस जारी करती है, ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते फराहम करती है और पुलिस इस मौके पर मौजूद रहती है ताकि मरकजी शाहरा पर जुलूस होने के सबब मुत्तसिल सड़क पर ट्रैफिक जाम ना हो। इंशाल्लाह हमने परमिट यहाँ पे एक्सेप्ट करवाया विनिपेग मैनिटोबा में और लास्ट ईयर से ज़्यादा इट्स गुड दैट वी हैव नंबर्स इंक्रीज्ड फ्रॉम लास्ट ईयर एंड इट्स गुड फॉर आवर कम्युनिटी एज़ वेल टू रिप्रेजेंट हु इज़ इनसाइड। जुलूस डाउनटाउन से बरामद हुआ और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ लेजिस्लेटिव बिल्डिंग की जानिब बढ़ता रहा। रास्ते भर आज़ादार नुहाख्वानी करते रहे। नुहाख्वानों ने हजरत इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे हजरत अली अजहर की गर्दन पर जुर्मला के तीर का जिक्र किया तो गमज़दा लोगों के हाथ सीनों पर नजर आए। जो कब्र असगर बना के उठा चावा की मैया मुस्कुरा कर बदल गया फिक्र नस्ल आदा। सदा रहेगा हुसैन का गम, सदा रहेगा हुसैन का गम। किसी नुआख्वान ने हजरत इमाम हुसैन के बड़े बेटे हजरत अली अकबर के सीने पर बरछी का जिक्र किया तो मातम की सजाएं और बढ़ी। मातम की सदा कायम रहे अकबर का गम। किसी ने इमाम हुसैन के भाई और लश्कर हुसैनी के अलमबरदार हजरत अब्बास के बाजू कटने और मशकीजे से पानी बह जाने का नुआ पड़ा तो आंखों में आंसू लिए हजरदार शिद्दत गम से निढाल नजर आए। अब्बास के परचम तले किसी ने इमाम हुसैन की बेटी हजरत सकीना के कानों से बालियां नोचने का नौहा पढ़ा तो गम और बढ़ा। जुलूस के शुरका का कहना था कि नबी के नवासे पर यजीदी फौज के इन मजालिम का तस्किरा रहती दुनिया तक जारी रहेगा। जिंदा रखेगी मातम की सदा, जिंदा रखेगी मातम की सदा, जिंदा रखेगी। नुहा खानों ने बताया कि पैगंबर इस्लाम के नवासे पर दीन को बचाने का चैलेंज था, यजीदी फौज के सामने डट जाने का चैलेंज था। सिर्फ इमाम हुसैन और उनके 72 साथी ही थे जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सवाल ये था कि कौन रोके, आज़ादारों का कहना था कि पैगंबर इस्लाम अपनी बेटी हजरत फातिमा का इस कदर एहतराम करते थे कि अगर वो कमरे में आती तो हुजूर एहतरामन खड़े हो जाते। पैगंबर इस्लाम की बेटी बीबी फातिमा और उनके शोहर हजरत अली के बेटों इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इस कदर मोहब्बत करते थे कि दोनों नवासों को कंधे पर बिठाते थे। इन दोनों इमामों को शहीद कर दिया जाए तो गम में आंखें अशकबार क्यों ना हों, मातम की सदाएं बुलंद क्यों ना हों। जुलूस बरामद होने के बाद मजलिस आज़ा मुनक्किद की गई। इससे खिताब में आलम दीन ने बताया कि यजीद ने पैगंबर इस्लाम के नवासे इमाम हुसैन से मुतालबा किया था कि इमाम हुसैन इसके हाथ पर बैत कर लें। इमाम हुसैन जानते थे कि यजीद हक पर नहीं, इसलिए इमाम हुसैन ने बैत से इनकार कर दिया। यजीदी फौज ने न सिर्फ इमाम हुसैन और उनके साथियों को 1400 बरस पहले करबला में शहीद किया बल्कि नबी के घराने की बापर्दा खवातीन को शाम के बाजार ले जाया गया और यजीद के सामने पेश किया गया। وإن كانت مكللة بالدماء ومع ذلك
आलिम दीन का कहना था कि यजीद और उसकी फौज समझती थी कि जीत उसकी हुई, मगर इमाम हुसैन से मुसलमान ही नहीं हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद अकीदत का इजहार करते हैं, जो इस बात की अलामत है कि शिकस्त यजीद और असल फतेह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुकद्दर बनी। दिस इज द बीस्ट वॉक फॉर इमाम हुसैन इन हिज नेम फॉर द वॉइस ऑफ द ऑप्रेस्ड अगेंस्ट द ऑपरेशन एंड टू रेज द फ्लैग ऑफ इमाम हुसैन अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑल एजेस एंड दिस इज द मैसेज फॉर दिस वॉक। मजलिस अज़ा के बाद और आशूरा के इस जुलूस के रास्ते में शुरका और अतराफ मौजूद अफराद को नियाज इमाम हुसैन दी जाती रही। साथ ही पैम्फलेट्स भी दिए गए जिनमें बताया गया था कि ये फूड पैकेट्स और पानी की बोतलें इसलिए तकसीम की जाती हैं क्योंकि कर्बला में यजीदी फौज ने नबी के घराने को 3 रोज तक भूखा और प्यासा रखकर शहीद किया। लोगों ने तबर्रुक के तौर पर ये नियाज हासिल की और इमाम हुसैन के रास्ते पर चलने का अहद किया। कैमरामैन ताहा अली और साथी रिपोर्टर नातिक मेहदी जैदी के साथ ताहिर हुमायूं, जबर न्यूज़, मैनिटोबा, कनाडा।